गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू ईवीएस क्लास टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सिक्सटीन इंडिया द लैंड एंड पीपल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में उनके लैंड के और पीपल के बारे में यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस अ मैप शोइंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया द फिजिकल फ्यूचर ऑफ अ कंट्री आर इट्स माउंटेन प्लेन्स प्लेटो एंड सो ऑन यहाँ पे फिजिकल फ्यूचर कंट्री का क्या होता है माउंटेन प्लेन एंड प्लेटू फिजिकल फ्यूचर ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड अ फिजिकल मैप मैप जो map आपका फिजिकल फ्यूचर शो करता है उसी को हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं वाइल मेकिंग मैप सर्टेन कलर्स एंड सैम्पल आर यूज टू शो डिफरेंट फ्यूचर जब मैप हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ कलर डालते हैं या फिर सिंबल डालते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि ये डिफरेंट डिफरेंट फ्यूचर्स हैं मैप में द की ऑफ द मैप टेल्स यू वॉट द कलर और सिंबल स्टैंड फॉर इन दिस मैप येलो हैज़ बीन यूज फॉर द डेसर्ट रीजन एंड ग्रीन फॉर प्लेन जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं ये आपका मैप है इसमें जो येलो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये आपका डेसेट रीज़न है और जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये प्लेन को सिग्निफाई करता है और यहाँ पे जो डार्क ब्राउन हैज़ बीन यूज फॉर माउंटेन डार्क ब्राउन आपका यूज़ किया गया है माउंटेन के लिए लाइटर शेड ऑफ़ ब्राउन शोज़ एरिया लोअर देन माउंटेन बट हायर देन प्लेन जो लाइट शेड ब्राउन के हैं वो आपको बताते हैं कि वहाँ पे माउंटेन कम है प्लेन जाता है अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में द लैंड बॉर्डर्ड बाय हाई माउंटेन इन द नॉर्थ एंड सीज ऑन थ्री साइड इंडिया इज लार्ज कंट्री नॉर्थ साइड जो भारत का है पहाड़ों से घिरा और तीन तरफ से समुद्र से और भारत एक बड़ा देश है इट इज़ द सेवंत लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री पूरे दुनिया में है एट इट ब्रॉडेस्ट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इट स्ट्रेच एक्रॉस थ्री थाउजेंड किलोमीटर फ्राम नॉर्थ टू साउथ इट मेशर अबाउट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर ये दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच हुआ है थ्री थाउजेंड किलोमीटर तक और नॉर्थ और साउथ का मेशर है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर द सदर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री लुक ऑलमोस्ट लाइक अ ट्राएंगल जो हमारी सदर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री वो एक ट्रायंगल के जैसे दिखती है इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड ये पूरे कैसे सराउंडेड है वाटर से तीन साइड से इट इज़ अ पेनोसुला इसको हम लोग पेनोसुला बोलते हैं अ पेनोसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड ये एक तरीके का एक पीस ऑफ लैंड है डैट इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर ये जो पेनोसुला है ये एक ऐसा लैंड है जो कि सराउंडेड बाय किससे हुआ है चारों तरफ पानी से टू द साउथ ऑफ़ द पेनोसोला लाइज द इंडियन ओशन ये कहाँ लाई करता है इंडियन ओशन में टू द ईस्ट इज़ द बे ऑफ बंगाल यहाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल टू द वेस्ट इज द अरेबियन सीन अब हम पढ़ेंगे फिजिकल रीजन द सरफेस सर्फेस ऑफ द लैंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑफ द कंट्री लैंड सर्फेस है वो डिफरेंट है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री देर आर वेरी हाई माउंटेन एंड वेस्ट स्ट्रेचर्स ऑफ फर्टाइल प्लेन यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े माउंटेंस हैं और फर्टाइल प्लेन्स हैं देर आर प्लेटोज हिल वैली आईलैंड एंड सो ऑन ब्रॉडली स्पीकिंग द लैंड कैन बी डिवाइडेड इन टू सिक्स फिजिकल रीजन जो यहाँ के जो लैंड है वो डिवाइडेड किस में हो सकती हैंजिकल रीज़न में ईच रीज़न हैज इट्स ओन काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन हर एक रीजन में अपना एक क्लाइमेट होगा और वहाँ का वेजिटेशन होगा द सिक्स फिजिकल रीज़न आर एस फॉलो जिनके बारे में अब हम पढ़ने जाएँगे द नॉर्दन माउ माउंटेन द नॉर्दन प्लेन द इंडियन डेसर्ट दैनोसोला प्लेटो द कॉस्टल प्लेन द आईलैंड अब हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं द नर्दर्न माउंटेन टू द नॉर्थ ऑफ अ कंट्री आर अ चैन ऑफ वेरी हाई माउंटेन जो नॉर्थ ऑफ अ कंट्री हमारा है वहाँ पे काफ़ी माउंटेन्स हैं इनफैक्ट दे आर द हाइस्ट इन द वर्ल्ड और ये कैसे हैं पूरे दुनिया में हाइएस्ट हैं द नॉर्थ मोस्ट ऑफ दिस माउंटेन इज़ द काराकोरम रेंज जो आपका नॉर्थ मोस्ट माउंटेन है वो काराकोरम रेंज है और रेंज इज़ द लाइन ऑफ माउंटे यहाँ रेंज का मतलब क्या है जो लाइन्स ऑफ माउंटेंस हैं उनको हम रेंज कहते हैं द हिमालय लाइज साउथ ऑफ़ द काराकोरम रेंज जो आपका हिमालय है वो आपका साउथ में लाई करता है काराकोरम रेंज में दे फॉर्म अ काइंड ऑफ आर्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश ये एक तरीके का आर्क फॉर्म फॉर्म करता है कहाँ से जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश देन द वॉल ऑफ वॉन्टेड माउंटेन टर्न साउथ और जो ये माउंटेन है ये साउथ वर्ड से टर्न होते हैं ये देर आर नंबर ऑफ हिल रेंजर्स विच आर टुगेदर कॉल द पूर्वांचल यहाँ पे नंबर ऑफ हिल रेंजेस है जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं ये ज़्यादातर टुगेदर रहते एक साथ रहते हैं द हिमालय आर थ्री पैरल रेंजर्स ऑफ माउंटेन ये तीन पैरल रेंज के माउंटेन्स होते हैं हिमालय पहला है द नदन मोस्ट एमोंग इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालय जो नॉर्थ मोस्ट जो है उनको हम ग्रेट हिमालय से जानते हैं जब हम साउथवर्ड जाते हैं तो उनको हम लेसर हिमालय एंड द आउटर हिमालय बोलते हैं इसमें जो टॉलेस्ट हिमालय माउंटेन आर इन द ग्रेट हिमालय जो टॉलेस्ट हिमालय माउंटेन है वो आपका ग्रेट हिमालय है माउंट एवरेस्ट द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ इन द ग्रेट हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे दुनिया का हाइस्ट पीक है पूरे दुनिया में और ये ग्रेट हिमालय में पाया जाता है सो इन कंचन जुंगा द थर्ड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ये आपका तीसरा सबसे पीक है इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल एंड कंचन जुंगा इज़ इन सिक्किम द पीक ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर ये जो इनकी जो पीक है जो नोक है हिमालय की ये सारी आइस से कवर्ड होती हैं नो वंडर दिस माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालय यहाँ पे हिम का मतलब है स्नो आले का मतलब है होम इन सम पार्ट ऑफ दिस माउंटेन हीज मासस ऑफ आइस और ग्लेशियर मूव स्लोली डाउन द स्लोप जो यहाँ पे माउंटेंस में जो आइस और ग्लेशियर है वो काफ़ी तरीके से पिघल करके गिरती हैं स्लोपन के ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग मासस ऑफ आइस और रिवर ऑफ़ आइस ये एक स्लो मूविंग मास मास ऑफ आइस मतलब बर्फ या तो फिर रिवर के होते हैं हैज़ द ग्लेशियर रीच द लोअर वार्म पार्ट ऑफ द माउंटेन दे मिल्ट इन टू रिवर जब यही ग्लेशियर गर्म होकर के माउंटेन से पिघल करके ये सीधे रिवर में जाते हैं द गंगोत्री ग्लेशियर गिव्स राइज टू द गंगा और जो गंगोत्री ग्लेशियर होते हैं यही गंगा पानी में जा कर के मिल जाते हैं द यमोत्री ग्लेशियर गिव राइज टू तो यमुना जो यमोत्री ग्लेशियर है, वो एक तरीके से यमुना में जा कर के ये बर्फ का पानी नदियों में चला जाता है गंगा और यमुना में लुक केयरफुली एट द फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया यू विल नोटिस दैट बिसाइड द गंगा एंड यमुना मैनी अदर रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय जब आप फ़िज़िकल मैप ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा जो गंगा है और यमुना के पानी से कई और रिवर निकली हैं जो कि कई रिवर स्टार्ट हुई है हिमालय से अब पढ़ेंगे वैली वैली आर लो लैंड बिटवीन माउंटेन ये एक तरीके का लो लैंड है पहाड़ों के बीच में कश्मीर कुल्लू देहरादून आ वैली बिटवीन द हिमालय रेंज ये एक तरीके का वैली है हिमालय रेंज में दे आर मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशन अमॉन्ग दिस माउंटेन और यहाँ पे एक ब्यूटिफुल स्टेशन है माउंटेन के बीच में शिमला मशूरी नैनीताल दार्जिलिंग आर सम हिल स्टेशन टूरिस्ट लव टू विजिट एक तरीके का ये टूरिस्ट विजिट है जहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं बर्फ़ को देखने के लिए लाइफ ऑफ द पीपल द क्लाइमेट ऑफ द नर्दर्न हिमालय स्टेट इज गुड फॉर कलवेटिंग फ्रूट लाइक एप्पल एंड पीयर द क्लाइमेट यहाँ पे लाइफ ऑफ द पीपल कैसा है द क्लाइमेट ऑफ द नर्दर्न हिमालय स्टेट इज गुड फॉर कल कल्टिवेटिंग फ्रूट लाइक एप्पल एंड पीयर्स यहाँ पे जो क्लाइमेट है नर्दर्न हिमालय का वो काफ़ी गुड uh, है वहाँ पे पैदा हो सकते हैं आपके एप्पल पीयर्स हुआ मैनी पीपल वर्क इन ऑर्च और यहाँ पे कई लोग हैं जो ऑर्चार्ट में काम करते हैं कुछ लोग राइस हुआ मेज़ हुआ ये सारे वहाँ पे उगाते हैं मेकिंग कारपेट एंड वुलन थिंग्स एंड लुकिंग आफ्टर टूरिस्ट आर अदर मेजर ऑक्यूपेशन ये कारपेट बनाते हैं वुलन थिंग्स बनाते हैं ताकि टूरिस्ट को आकर्षित करके अपने सामान बेच सकें इन द नदन ईस्ट स्टेट पीपल लिव बाय ग्रोइंग क्रॉप्स मेकिंग हैंडीक्राफ्ट जो नदन ईस्ट स्टेट के जो लोग हैं वहाँ पे लोग ग्रो करते हैं क्रॉप या तो फिर हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं मैनी वर्क इन टी गार्डन कुछ लोग टी गार्डन में काम करते हैं ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ पर ऑयल को ड्रिल करते हैं जो कि काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है वहाँ पर